भारतीय वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह का शनिवार को 98 वर्ष की उम्र निधन हो गया। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंह 98 भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी रहे जिनकी पदोन्नति 5 सितारा रैंक तक हुई। उन्हें शनिवार सुबह सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और वायुसेना प्रमुख बीएस धनोवा ने भी अस्पताल जाकर उनका हाल जाना था। आधिकारिक सूत्रों ने कहा था कि उनकी स्थिति गंभीर है। बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, भारत वायुसेना के मार्शल के दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर दुख प्रकट करता है। हम देश के प्रति उनकी उल्लेखनीय सेवा को याद करते हैं। उन्होंने कहा, अर्जन सिंह ने भारतीय वायुसेना की क्षमता के विकास पर ध्यान दिया, जिससे हमारी रक्षा क्षमताओं में इजाफा हुआ। भारत 1965 में अर्जन सिंह के शानदार नेतृत्व को कभी नहीं भूलेगा, जब भारतीय वायुसेना ने उल्लेखनीय कार्रवाई की। पीएम मोदी ने कहा, कुछ समय पहले मैंने उनसे मुलाकात की थी और खराब सेहत के बावजूद उन्होंने सलामी देने के लिए खड़े होने का प्रयास किया, जबकि मैंने मना किया था। उनका इस तरह का सैनिकों वाला अनुशासन था। उनके परिवार और उन सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं जो अति विशिष्ट वायु सैन्य योद्धा और बेहतरीन इंसान अर्जन सिंह के निधन पर शोकाकुल हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अस्पताल दौरा करने के बाद संवाददाताओं से कहा, मुझे यह सूचना मिली थी कि वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह बीमार हो गए। उन्हें सुबह दिल का दौरा पड़ने का संदेह जताया गया, जिसके बाद उन्हें इस अस्पताल में लाया गया। अस्पताल में डॉक्टर उनकी हालत को देखते हुए नियमित रूप से दौरा कर रहे थे और इलाज के दौरान सिंह जवाब भी दे रहे थे। भारतीय सैन्य इतिहास के नायक रहे सिंह ने 1965 की लड़ाई में भारतीय वायुसेना का नेतृत्व किया था। पाकिस्तान ने 1965 में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया, जिसमें उसने अखनूर शहर को निशाना बनाया। तब सिंह ने साहस, प्रतिबद्धता और पेशेवर दक्षता के साथ भारतीय वायुसेना का नेतृत्व किया। मार्शल अर्जन सिंह को हिंदुस्तान सलाम। जय हिंद, जय भारत।